हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 की। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस की बात करी गई है और कैलकुलेट किए हुए परसेंटेज पर हम पीवोट भी लगाएंगे, तो अब यही हमें करके देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जीएसटी कर देते हैं, जीएसटी इन परसेंट, ठीक है, ये लिख दिया है हमने। और अब हम ये चाहते हैं ना कि यहाँ पे परसेंट में जीएसटी आए, ठीक है, तो हम इतने पे ड्रॉप डाउन एक लगा लेते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से डेटा टाइप पे गए और यहाँ पर मिलता है आपको डेटा वैलिडेशन, तो क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगा। लिस्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 5% करा, फिर यहाँ 10% करा, फिर यहाँ 12% करा, और 12% करने के बाद फिर यहाँ 18% करा हमने, और फिर यहाँ 21% करा इस तरीके से, और फिर ऐसे ही आपको करना है। और यहाँ पे जो 18% आया है ना, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा बीच में, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर 21% पे भी कॉमा लगाइएगा और यहाँ पे करिएगा 28%। तो ये सब करके आपको क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। ओके करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये यहाँ पे 10 हो गया, ये यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे हम सारी चीजें। अब यहाँ पे 18 लगा लेते हैं, कुछ चीजें रिपीटेड भी होंगी, और यहाँ पे 21 और ये कर दिया हमने 28, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज रिपीट भी कर लेते हैं, जैसे 12% रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पे 12% फिर कर दिया हमने, यहाँ पे कर देते हैं 28%। तो ये हो गया। अब इसके मुताबिक हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कितना जो है इसमें टोटल टैक्स बन रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन जो भी फॉर्मूला होता है वो कैसे स्टार्ट होता है एक्सेल में, इक्वल टू के निशान से, इक्वल टू लगा दिया हमने, टोटल में ही हमारा टैक्स छिपा होगा, तो टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, टैक्स से, ठीक है, और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर हमारा सब कुछ आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ आ गया है। अब कंट्रोल ए करके अल्ट एच बी ए करके यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल ए करना है पहले आपको और फिर अल्ट एच बी ए कर लेना है। तो पहले क्लिक कीजिए, फिर कंट्रोल ए कीजिए और फिर करिए अल्ट एच बी ए, अल्ट एच बी ए, तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉलम का नेम ऑटोमेटिक आ गया है, तो इसका नेम आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इसको चेंज कर लीजिएगा, टैक्स कर लीजिएगा, टैक्स इन परसेंट, ठीक है। तो यहां से इसको हटाते हैं और यहां डाल देते हैं हम क्या, टैक्स इन अमाउंट कर देते, टैक्स अमाउंट कर देते हैं, टैक्स अमाउंट, ए एम ओ यू एन टी, टैक्स अमाउंट हो गया, और ये देकर के यहां बाहर क्लिक कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, इसके लिए पिवोट टेबल बनानी है, तो इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक रखिए, इंसर्ट टैब पे जाइए और यहाँ टेबल पे आपको जाना है, और टेबल पे जाके ये जो पिवोट टेबल दिख रहा है यहाँ पे जाना है, ठीक है। डेटा हमें इसी यहीं से उठाना है, कहीं एक्सटर्नल सोर्स से तो उठाना नहीं है, ठीक है, या यहाँ पे डाटा मॉडल का भी इस्तेमाल नहीं करना है हमें, तो हमें केवल पिवोट टेबल ही बनानी है सिंपली। तो यहाँ पर ही आए और यहाँ पे टेबल का नाम आ रहा है, आप चाहे तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी ले सकते हैं या न्यू वर्कशीट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप डाटा मॉडल पे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डाटा मॉडल पे टिक नहीं कर रहा, नए वर्कशीट पे इसे लेके आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, ये यहाँ पर ये इस पर क्लिक करता हूँ, यानी नेम ऑफ प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मान लीजिए हमें टोटल प्राइस देखनी है, तो यहाँ पर देखिए जिसकी जितनी प्राइस हुई है वो आपको नजर आ जाएगी, सिंपली एकदम देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, एक काम और आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो एक तरीका हो गया, आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पे लेके आएंगे फिल्टर में, ठीक है, और फिल्टर में लाके छोड़ देंगे, तो अभी यहाँ पर आपको क्या होगा कि नेम ऑफ प्रोडक्ट दिखाई पड़ने लगेंगे, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कि टोटल प्राइस क्या हुई, तो यहाँ पे टोटल प्राइस आप लेके आ गए, तो ये टोटल प्राइस हो गई, देख सकते हैं टोटल प्राइस है ना। लेकिन देखिएगा यहाँ पर जब आते हैं आप, क्लिक करते हैं, और अगर आपने HDD यानी हार्ड डिस्क चूज किया या HP लैपटॉप चूज करके ओके कर दिया, तो यहाँ केवल HP के लैपटॉप की प्राइस आएगी, ठीक है। अब ये सही है या गलत है ये तो देखना पड़ेगा। तो टेबल वन पे आते हैं, यहाँ पे कितना आया हुआ है, 1,20,000 आया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर HP लैपटॉप था, तो यहाँ पर देखिए 1,20,000 दिया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैं इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए 1,20,000 आया हुआ है, आया हुआ है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद शीट नंबर 4 पे आते हैं फिर वापिस, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर इसको हटाएंगे, और इस बार कीबोर्ड की बात करते हैं, तो कीबोर्ड की प्राइस है 25,000 रुपए। यहाँ पे देखिए 25,000 आया है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा है कीबोर्ड, और यहाँ पे कितना आया हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पे 25,000 बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है,
25,000। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि आपको टैक्स अमाउंट पता करना है, ठीक है, प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से टैक्स अमाउंट पता करना है, तब क्या करेंगे, तो यहां पर आएंगे और यहां पर जो ये टोटल प्राइस है इसे हम हटा देते हैं और हम क्या करते हैं सीधा सीधा क्या करते हैं टैक्स अमाउंट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए कीबोर्ड का जो टैक्स अमाउंट है वो 2500 रुपए अब है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो यहां से आकर के और चेक करते हैं कीबोर्ड, तो ये है हमारा कीबोर्ड, इसको मैं पूरा ही एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो यहां से जाकर के एक डिफरेंट कलर मैं चूज करता हूं, ये देखिए ये कीबोर्ड है और कीबोर्ड की प्राइस आप यहां से देख सकते हैं बिल्कुल यहां पे प्राइस के मुताबिक, यहां पे जो जीएसटी आया हुआ है उसके मुताबिक यहां पे देखिए 2500 रुपए ही टैक्स है। लेकिन अगर क्या होगा यहां से हम चेंज कर देते हैं, देखिए यहां से अगर मैं चेंज करता हूं तो देखिएगा यहां पर कीबोर्ड नहीं चाहिए, क्या चाहिए इस बार मदरबोर्ड चाहिए। तो मदरबोर्ड पे गए, ओके किया, तो मदरबोर्ड का जो टैक्स अमाउंट है वो कितना है, तो यहां पे देख सकते हैं जो भी टैक्स अमाउंट है 10,080 रुपए, तो ये यहां पे आ रहा है। तो क्या ऐसा है भी कि नहीं है, तो मदरबोर्ड को चेक करते हैं, तो ये है मदरबोर्ड हमारा और 10,080 बिल्कुल सही है, एकदम 100% राइट है, ठीक है। देख सकते हैं ना कितना अच्छा तरीका है ये पता करने का, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये पिवोट टेबल कितना ज्यादा आपके लिए काम का हो सकता है, ये बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये हमने कर दिया है और अगर मान लीजिए कि दो चीजों की जरूरत हो, सपोज कीजिए कि आपको टोटल प्राइस भी देखनी है और क्या देखना है टैक्स अमाउंट भी देखना है, तो दोनों अलग अलग आ रहा है। देखिए टोटल प्राइस भी आ रहा है, टिक कर देने पे दोनों अलग अलग आएगा, तो देखिए दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये टैक्स अमाउंट का सम है और ये टोटल प्राइस का सम है। तो 36,000 रुपए यहां आया हुआ है जिसपे 10,080 रुपया टैक्स लगा हुआ है, देखिए यहां पे देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अब मान लीजिए मदरबोर्ड का नहीं देखना है, किसी और चीज का देखना है, तो यहां पर हमने डेल का लैपटॉप कर दिया और ओके कर दिया, तो ये डेल के लैपटॉप का आ गया। अब है कि नहीं है वो यहां से आप चेक कर सकते हैं, तो ये डेल का लैपटॉप है, आप देख लीजिए कुल मिला के प्राइस 72,000 है और इस पे 8,640 यानी 8,640 रुपए टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत क्लियरली यहां पे सारी चीजें शो होती हुई आपको नजर आएंगी। देखिए यहां पर अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये आपको अलग कलर में हाईलाइट होकर के ये भी दिख रहा है। तो यहां पे आप मैच कर सकते हैं दोनों को, 72 यहां पर देखिए कुल मिला के कितना आया हुआ है टोटल प्राइस 72,000 रुपए, किसका प्राइस है डेल के लैपटॉप का। तो आइए देखते हैं डेल का लैपटॉप का आया है कि नहीं, तो ये देखिए टोटल प्राइस 72,000 है और 8,640 रुपए टैक्स लगा हुआ है, तो वो भी आया हुआ है। तो हर एक चीज बड़े आसानी से आपको यहां पे दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहां पर हमने कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, हमने कोई फंक्शन नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया है पिवोट टेबल को यूज किया है, जिसके चलते ये सब बहुत आसानी के साथ डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमें ये देता चला जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका कि नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।